नेक्स्ट 499 नंबर, संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यही पूछे थे दोस्तों अभी हम, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रवि कपूर, रवि कपूर को। नेक्स्ट 500 नंबर में है, हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है, तो याद रखिएगा ये नरेंद्र मोदी प्राप्त किया है दोस्तों। हाल ही में मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा नागालैंड में रखी गई है। हाल ही में बिकाउज इंडिया कम से फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि राम माधव ने लिखी है, राम माधव ने। नेक्स्ट 503 नंबर, हाल ही में ब्रिटेन के दो क्रूज जहाज़ों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया है, तो याद रखिएगा गुजरात में खंडित किया गया दोस्तों। हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, अरुण कुमार सिंह को, तो इसका राइट आंसर होगा बिहार में, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया, आर्टिका एम लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल रूस ने लॉन्च किया, आर्टिका एम लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए 506 नंबर, हाल ही में हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों उड़ीसा करेगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत एलोएट तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है, तो याद रखिएगा दोस्तों किसको, तो बांग्लादेश को भेंट किया, बांग्लादेश को। नेक्स्ट 508 नंबर, हाल ही में साहित्य अकेडमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है, हाल ही में साहित्य अकेडमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों वेल, क्या दोस्तों, वेल चेरू को चुना गया, वेल चेरू राव को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा किया है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये झारखंड ने घोषणा किया है। हाल ही में किस देश की सुपर मॉडल नतालिया, याद रखिए नतालिया वोडियानोवा को यूएन गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल रूस। हाल ही में किस देश की सुपर मॉडल नतालिया वोडियानोवा को यूएन गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो रूस के हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 511 नंबर है, हाल ही में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल चीन ने मनाया है दोस्तों। हाल ही में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है, तो चीन ने मनाया है। हाल ही में पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल उत्तर प्रदेश बन गया है। निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रूस ने लॉन्च किया, रूस ने। नेक्स्ट विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 514 का, बिल्कुल सी नंबर रूस हो जाएगा, बिल्कुल सॉरी 514 का है ना, ये 27 फरवरी हो जाएगा दोस्तों। विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, 27 फरवरी को एनजीओ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हाल ही में भारत की ओर से किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा किया है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल चीन। क्या हाल ही में भारत की ओर से किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा किया है, चीन। राष्ट्र विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, राष्ट्र विज्ञान दिवस, बिल्कुल दोस्तों ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 517 नंबर, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा किया है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ग्लोबल एंटी टेरर, या देखिए ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये हो जाएगा पाकिस्तान को, किसको दोस्तों, पाकिस्तान को। नेक्स्ट देखिए 519 नंबर में है, क्या दोस्तों, शून्य भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस, तो याद रखिएगा दोस्तों बिल्कुल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 520 नंबर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य के सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज किया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों झारखंड, कहाँ दोस्तों, झारखंड में किया है। नेक्स्ट देखिए 521 नंबर, मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के आयु सीमा में कितने साल की कटौती किया है, तो याद रखिएगा ये 3 साल का कटौती किया है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो याद रखिएगा अंजलि भारद्वाज को चुना है, अंजलि भारद्वाज को। नेक्स्ट है 523 नंबर, निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अमेरिका ने हटा दिया है, किस पर दोस्तों, तो याद रखिए ग्रीन कार्ड पर लगी प्रतिबंध को। नेक्स्ट किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है,
तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए 525 नंबर, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल 12 स्थानों को चुना है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने का घोषणा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या वो देखिए 527 नंबर में है, पुलिस क्या पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य निम्न में से कौन बना है? पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बना है? तो याद रखिए उत्तराखंड बना है दोस्तों। तीन संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 529 नंबर, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया है? नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। नेक्स्ट 531 नंबर, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरत को देखते हुए कितने करोड़ रुपए की पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या 13,700 करोड़ रुपए। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है? तो 13,700 करोड़ रुपए। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने में अपना बहुमत साबित न करने के कारण कांग्रेस या समर्थित सरकार गिर गई थी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुदुचेरी। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित न करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई? याद रखिएगा पुदुचेरी, जिसको बोलते हैं पांडिचेरी। नेक्स्ट 533 नंबर देखिए, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दिया है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सऊदी अरब ने। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दिया है? सऊदी अरब ने। भारत और किस देश ने 19 फरवरी 1921 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में दो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इथोपिया। क्या? तो इथोपिया। अब आगे देखिए 535 नंबर है, किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अन एकेडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सचिन तेंदुलकर ने। भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया गया? भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 363 करोड़ रुपए की किया गया, 363 करोड़ रुपए। नेक्स्ट 537 नंबर देखिए, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नोवाक जोकोविच। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया? नोवाक जोकोविच। चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ष कर दिया है। कितने? तो 12 वर्ष। नेक्स्ट देखिए 539 नंबर, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका। किस देश के तेज गेंदबाज थंबिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तो श्रीलंका। किस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है? तो श्रीलंका। नेक्स्ट 541 नंबर है, विश्व पेगोलिन दिवस, विश्व पेगोलिन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पेगोलिन दिवस, तो याद रखिए फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व पेगोलिन दिवस। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना की शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल असम में किया है। कहाँ किया है? तो बिल्कुल असम में, याद रखिएगा दोस्तों। कहाँ किया है? अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो बिल्कुल 42 में है।
तो असम ही होगा। हाँ ठीक है, असम है बिल्कुल। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सिको होशिमोतो को चुना गया, सिको होशिमोतो को। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? तो सुको होशिमोतो को चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, 545 नंबर, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए पार्सिवरेंज रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? पार्सिवरेंज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल मंगल ग्रह। दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेट आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपये में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का ये खिलाड़ी है और आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपये में बिकने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है ये। नेक्स्ट 547 नंबर देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता किए जाने की मंजूरी प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? मॉरिशस। नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? फॉफ डुप्लेसिस। फॉफ डुप्लेसिस, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? फॉफ डुप्लेसिस, याद रखिएगा। नेक्स्ट 549 नंबर, भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो याद रखिए, अजय माथुर को दोस्तों। भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अजय माथुर को। नेक्स्ट देखिए, 550 नंबर है, हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित यह करलापट वन्यजीव अभयारण्य में हेमरिज सेप्टिसिमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गया दोस्तों? तो याद रखिए, ये हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्यजीव अभयारण्य में हेमरिज सेप्टिसिमिया HS के कारण 6 हाथियों का मौत हो गया दोस्तों? तो याद रखिए, उड़ीसा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसककर 180 देशों में से कितने स्थान पर आ गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 86वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट 552 नंबर, किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा। हाल ही में किस देश ने टेरा फुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को, याद रखिए, मंजूरी प्रदान किया है? तो ये होगा अमेरिका। हाल ही में किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान कर दिया है? तो अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, 554 नंबर, भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कार में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, एकता कपूर को। किसको? तो एकता कपूर को। भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कार में निम्न में से किसे हॉल फेम, क्या दोस्तों, हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया? एकता कपूर को। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितना दिन कर दिया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कितना दिन कर दिया गया है? 30 दिन कर दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, IPL टीम किम्स 11 पंजाब को, याद रखिए कि फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नामकरण बदलकर क्या कर दिया है? IPL टीम किम्स 11, याद रखिए कि टीम्स 11, हाँ याद रखिए, टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पंजाब किंग्स कर दिया, पंजाब किंग्स। IPL टीम किंग्स 11 का नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया, याद रखिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्रोनीता गुप्ता को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है? तो प्रोनीता गुप्ता को दोस्तों। नेक्स्ट 558 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास किया है? उत्तर प्रदेश। विश्व, याद रखिए, नेक्स्ट, विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, 13 फरवरी को।
नेक्स्ट, निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो याद रखिए, ये राइट आंसर होगा दोस्तों पाकिस्तान। किस देश के धाविका क्या नाम है बिट्रेस, हाँ याद रखिएगा, चैपकॉच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल केन्या। किस देश की धाविका, याद रखिएगा दोस्तों, बिट्रेस चिपेकॉच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो केन्या, याद रखिए केन्या के हैं चिप्पी कोच। नेक्स्ट, 562 नंबर, अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शंस, याद रखिए, का निर्देशक बनाकर सीनेट भेज दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोहित चोपड़ा को। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निर्देशक बनाकर सीनेट भेज दिया है? तो रोहित चोपड़ा को। हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो याद रखिएगा 1.25 लाख प्रति माह। हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो याद रखिएगा 1.25 लाख प्रति माह। नेक्स्ट क्या वो देखिए, 564 नंबर में किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलकी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दिया है? किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलकी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दिया है दोस्तों? तो बिल्कुल याद रखें हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, 565 नंबर, भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सुशील कुमार और साक्षी मलिक को बाहर कर दिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया? सुशील कुमार और साक्षी मलिक को। नेक्स्ट देखिए, 566 नंबर, कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन सा बना है? कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर बना है दोस्तों। हाल ही में किस देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान Tianwen-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। चीन। भारत के किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाला ने, या देखिए, DSP नियुक्त करने का फैसला किया है? हिमा दास को दोस्तों। किसको? तो हिमा दास को, अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट, 569 नंबर, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अमेरिका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दिया है? तो याद रखिए ये दिल्ली मंजूरी दे दिया है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दिया है? दिल्ली मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट, 571 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीरें जारी किए हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों उत्तराखंड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीरें जारी किया है? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट, भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के 6ठे भारतीय और 3रे गेंदबाज बन चुके हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 300 विकेट। नेक्स्ट देखिए, 573 नंबर है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को 3री बार एलेन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टीव स्मिथ को दोस्तों। Formula 1 वर्ल्ड चैंपियंस लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ कितने साल का करार किया है? Formula 1 वर्ल्ड चैंपियंस लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ कितने साल का करार किया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तो 1 साल का करार किया है, बिल्कुल 1 साल का। नेक्स्ट, 575 नंबर, निम्न में से किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऋषभ पंत को। किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा। नेक्स्ट, 577 नंबर, केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है?
पीएम फंड। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 12,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFY के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो 12,000 करोड़ रुपए के आवंटन किया है दोस्तों। नेक्स्ट, किस राज्य ने जमीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए 579 नंबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार COVID-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? 58 लाख से ज्यादा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषित रहित रेलवे बनने की घोषणा किया है? केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा बिल्कुल 2030 तक दोस्तों, 2030 तक। नेक्स्ट 581 नंबर देखिए, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 के लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 50वें स्थान पर है। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लास्ट लिस्ट में भारत निम्न में से किस या कौन से स्थान पर है? तो 50वें स्थान पर है दोस्तों। 582 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपये की 4 बुनियादी ढांचा परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, 4700 करोड़ रुपये, 4700 करोड़ रुपये। नेक्स्ट 583 नंबर, ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फिलिप्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा विराट कोहली को दोस्तों। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फिलिप्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो विराट कोहली को। किस मंत्रालय ने हाल ही में याद रखिए गोलवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट देखिए 585 नंबर में है, आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितना प्रतिशत बरकरार रखा है? तो याद रखिएगा दोस्तों 4% बरकरार रखा है। आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति, याद रखिएगा एमपीसी की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो 4%। नेक्स्ट 586 नंबर, अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दिया? 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट देखिए 587 नंबर, हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया? गजनवी का दोस्तों, तो याद रखिए बिल्कुल पाकिस्तान ने सफल परीक्षण किया, सतह से सतह मार करती है गजनवी। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल ह्यूमैन, याद रखिएगा फेटर्निटी डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को। नेक्स्ट देखिए 289 नंबर, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों किस स्थान पर पहुंच गया है, तो 53वें स्थान पर पहुंच गया, 53वें स्थान पर। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो याद रखिएगा दोस्तों बिल्कुल 20, क्या हो जाएगा 20। नेक्स्ट 591 नंबर, हाल ही में किस देश के हांगकॉन्ग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में वाघाई बिली मोड़ा के बीच 107 साल पुरानी नेरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं की अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुजरात, क्या हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट देखिए 593 नंबर, विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल याद रखिए जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आरएस शर्मा को नियुक्त किया गया है। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरएस शर्मा को नियुक्त किया गया है, भूलिएगा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आयशा अजीज ने कर दिया है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है 2020 का? तो इसका राइट आंसर होगा आत्मनिर्भरता, याद रखिएगा। 598 नंबर में है, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने की घोषणा किया है और इनकी जगह किसको सीईओ की जिम्मेदारी दी जाएगी? तो याद रखिएगा एनडी जेसी को दिया जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिए 2 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 600 नंबर देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पंजाब ने लॉन्च किया है। हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, या फिर मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 86वां स्थान मिला है। नेक्स्ट देखिए 602 नंबर, हाल ही में किसे 42वें उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे 42वां उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा सीपी मोहंती को नियुक्त किया गया है। 603 नंबर देखिए, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों किसको मिला, राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है। हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश बना है। हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश बना है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 मिला है? तो याद रखिए 119 आदमी को मिला है दोस्तों पद्म सम्मान 2021। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल कोविड 19 योद्धा इसका मुख्य विषय है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्रदान किया है दोस्तों? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 608 नंबर देखिए, हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त किया बासमती चावल के लिए? तो याद रखिए दोस्तों पाकिस्तान। नेक्स्ट, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा किया गया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत। निम्न में से किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को याद रखिएगा शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा किया है? भारत ने दोस्तों, याद रखिए संयुक्त राष्ट्र को ही कर दिया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 610 नंबर है, संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कितने, 7.7%। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो याद रखिएगा 11% रहने की उम्मीद है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? 11% दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 612 नंबर में, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? तो याद रखिए 7वें स्थान पर रखा गया है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट, 614 नंबर देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किया? पंजाब। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शिंजो अबे। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? शिंजो अबे को दोस्तों पद्म विभूषण से। नेक्स्ट देखिए, 616 नंबर, स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रांस। स्पेन और फ्रांस ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
617 नंबर देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल 40। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दे दिया है? तो 40। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस याद रखिएगा दोस्तों 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को। नेक्स्ट 619 नंबर, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा तारक शाह को। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तारक शाह। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों 32 बच्चों को चयनित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? तो 32 बच्चों को चयनित किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लाभ किया, देखिए दोस्तों लॉन्च किया है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट 622 नंबर, इंडियन प्रीमियर लीग IPL की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निर्देशक नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों कुमार संगकरा को नियुक्त किया है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब देखिए ये पूरा इस बुक में जितनी भी दिया हुआ था दोस्तों, अगस्त का एडिशन है, 2021 का अगस्त का एडिशन है, टोटल 622 क्वेश्चन MCQ पैटर्न में दिया गया था, हम शुरू से अंत तक सभी को दोस्तों कंप्लीट कर दिए हैं। और एक खास बात बताना चाहेंगे दोस्तों, अभी सुबह की 3:30 बज रही है दोस्तों, और अभी हम वीडियो बना रहे हैं। आप लोग दोस्तों बिल्कुल कंसस हो जाइए, एग्जाम नजदीक है, अच्छी तरह से पढ़िए दोस्तों। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जितना भी वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सभी वीडियो का दोस्तों हम वीडियो बना देंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। देखिए ये सभी क्वेश्चन का हम आंसर दे देते हैं, आप लोग को चेक करने में सुविधा होगी, और सभी क्वेश्चन में कितना आंसर आपका आया आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा दोस्तों, इससे पता चल जाएगा कौन कितना दोस्तों तैयारी कर रहे हैं।